आजकल लोग घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन ट्रेडिंग से लाखों रुपए कमा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हर रोज़ केवल कुछ घंटे ट्रेडिंग करके दिन का लाखों रुपए कमाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ट्रेडिंग में केवल प्रॉफिट होता है, बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग करते हैं तो आप ट्रेडिंग से कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए बेहतर होगा कि पहले जान लें कि ट्रेडिंग क्या होती है और यह कैसे काम करती है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने की उन सभी तरीकों के बारे में बताने वाला हूं जो नए और पुराने सभी ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग एक स्किल है जिसे अगर आप भी सीख लेते हैं तो आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको पता होगा कि कुछ लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के जरिए पैसे कमाते हैं तो कुछ लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कमाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमा जाते हैं। तो गाइस, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं कि गाइस, मेरा नाम रोहित कुमार है। यूट्यूब चैनल रोहित ऑफिशियल 01 को देख रहे हैं, अच्छी अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में उस बेल आइकन को भी ऑन करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट में कभी भी इससे रिलेटेड वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है, फिर उस ट्रेडिंग अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है और उसमें पैसे ऐड करने पड़ते हैं। इसके बाद आप अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन ट्रेडिंग से पैसे कमाने की शुरुआत कर सकते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा कमाने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो आप किसी भी ब्रोकर जैसे कि अपस्टॉक या जीरोधा या ग्रो ऐप पर ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। फिर आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। आइए अब ट्रेडिंग से पैसे कमाने के सभी तरीकों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहला है पेपर ट्रेडिंग की शुरुआत करें। ट्रेडिंग से पैसे कमाने से पहले आपको ट्रेडिंग सीखना ज़रूरी है, यह बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है कि आप शुरू में पैसा कुछ कमा लें लेकिन अंत में आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि ट्रेडिंग का नियम है कि एक आदमी का नुकसान होता है तो दूसरे का फ़ायदा। इसलिए ट्रेडिंग में नए लोगों का अधिकतर नुकसान ही होता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि बहुत सारे अनुभवी ट्रेडर हैं जो कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद अच्छा अनुभव हो जाता है उन लोगों को। ट्रेडिंग में किस तरह से चार्ट पैटर्न बनते हैं, किस तरह से प्राइस मूव करता है, कहां पर एंट्री और कहां पर एग्जिट करना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस और कितना टारगेट सेट करना चाहिए, कैसे नुकसान को कम किया जाता है और प्रॉफिट को बढ़ाया जाता है, अनुभवी ट्रेडर को इन सभी चीज़ों का एक लंबा अनुभव हो जाता है, इसलिए वह पैसा कमाता है। जबकि एक नया ट्रेडर शुरुआत में अधिकतर ट्रेडिंग में नुकसान करता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो पेपर ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि पेपर पर ट्रेड करना। जब आपको चार्ट पर लगे कि प्राइस यहाँ से बढ़ने वाला है तो उसे पेपर पर लिख ले और साथ ही अपना टारगेट और स्टॉप लॉस भी लिख ले। इस प्रकार लगातार पेपर पर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करते रहे और जब आपको 10 में से 7 बार पेपर पर प्रॉफिट होने लगे तो आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए रेडी हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कमाएं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले किसी ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ता है, फिर डीमैट अकाउंट को बैंक अकाउंट से लिंक करके उसमें पैसे ऐड करने पड़ते हैं। अब आप शेयर बाज़ार में शेयर बाय और सेल करके पैसे कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में आप कई प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको उसी दिन शेयर को खरीदना और बेचना पड़ता है, जबकि स्विंग ट्रेडिंग में आप कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों में भी अपने खरीदे गए शेयर बेच सकते हैं। जबकि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो यह इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की बजाय अधिक रिस्की है, क्योंकि इसमें आपका पूरा पैसा ही कुछ मिनटों में जीरो भी हो सकता है। फिर भी अधिकतर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि इसमें आप कम पैसों से ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं और फिर पैसा बहुत जल्दी बनता है। आपको बता दूं कि अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें
अगर आपको लगता है कि शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा तो आप उसे कुछ समय के लिए होल्ड रख सकते हैं। फिर जब स्टॉक आपसे प्राइस से 10% या 20% बढ़ जाए तो उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। आप थर्ड नंबर पॉइंट, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करके पैसे कमाएं। स्टॉक में ट्रेडिंग करने के बजाय अगर आप इंडेक्स जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लिक्विडिटी की भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें बायर्स और सेलर्स की संख्या बहुत कम होती है। ऐसे शेयर में दिक्कत यह आती है कि जब आप अपने खरीदे हुए शेयर सेल करने के लिए ऑर्डर लगाते हैं तो उनमें बायर ही नहीं होता, मतलब कुछ शेयर में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, जबकि निफ्टी या बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं है। इसलिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको पता होगा निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है, जबकि बैंक निफ्टी भारत के 12 सबसे बड़े बैंकों का इंडेक्स है। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर की अच्छी नॉलेज है तो आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करनी चाहिए, अन्यथा आप निफ्टी से भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए आपको लॉट में शेयर खरीदना पड़ता है। निफ्टी में लॉट साइज 50 शेयर होता है, जबकि बैंक निफ्टी में लॉट साइज 25 शेयर होता है। कुछ बड़े ट्रेडर्स निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपको केवल 12 बैंकों पर नज़र रखनी पड़ती है, जबकि निफ्टी में 50 कंपनियां ही होती है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको केवल टॉप 4-5 या बैंकों पर नज़र रखना होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के टॉप 5 बैंकों का वेट्स 50% से ज़्यादा होता है। अकेले HDFC बैंक 22% का वेट्स रखता है। अब फोर्थ नंबर पॉइंट को जानते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करके पैसे कमाएं। फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्रोकिंग ऐप में जाकर F&O सेगमेंट को एक्टिवेट करना पड़ता है, फिर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन से ट्रेडिंग करना थोड़ा रिस्की है, इसलिए इनमें आप केवल तभी ट्रेडिंग करें जब आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की अच्छी समझ हो। शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि कुछ ही मिनटों में लोग लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं। आपको बता दूं कि ये लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कॉल और पुट ऑप्शन खरीदने और बेचने पड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीद कर पैसे कमा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आज मार्केट में गिरावट होती है तो आपको पुट ऑप्शन खरीद कर फ़ायदा होगा। इसका मतलब है कि चाहे मार्केट में तेज़ी हो या मंदी, आप दोनों ही स्थिति में ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे से समझना होगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट को, स्विंग ट्रेडिंग करके पैसे कैसे कमाएं। तो गाइस, स्विंग ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको शेयर को कम कीमत में खरीदकर अधिक कीमत में बेचना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग में शेयर के बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर ही आपका प्रॉफिट या नुकसान होता है। दोस्तों, आपको स्विंग ट्रेडिंग से अधिक पैसा कमाने के लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए। यह कंपनियां ना तो बहुत ही बड़ी होती है और ना ही बहुत छोटी, इसलिए इनमें आपका रिस्क भी बहुत कम होता है और प्रॉफिट की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। निफ्टी 50 वाली कंपनियों में भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इन कंपनियों का प्राइस बहुत कम ऊपर नीचे होता है, मतलब निफ्टी 50 स्टॉक्स की तुलना में निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स अधिक तेज़ी से बढ़ते हैं। बेशक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग के लिए निफ्टी 50 बढ़िया है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए यह उतना अच्छा नहीं है। अगर कोई शेयर बार बार ऊपर नीचे होता है तो आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग करके बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से समझना होगा। ज़िंदगी में कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग मत करें, क्योंकि अधिकतर ट्रेडर ऐसे ही बर्बाद होते हैं। जब भी ट्रेडिंग करें तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से आप अपने रिस्क को लिमिट कर देते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स को फॉलो करें और उनसे सीखें। ट्रेडिंग करते समय कभी भी एक साथ पूरा पैसा ना लगाएं। अगर किसी दिन आपको प्रॉफिट होता है तो कोशिश करें कि उसमें से कम 80% मुनाफा घर लेकर जाए। अब तक आप ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं और ट्रेडिंग से पैसे कमाने के तरीकों के बारे में जान चुके हैं। आई होप कि यह वीडियो में ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप
नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तब मैं थैंक यू एंड वंदे मातरम।